कृष्णनगर इलाके में लोगों का गुस्सा उन स्कूलों के खिलाफ है जहां फीस तो खूब वसूली जाती है लेकिन बच्चों की सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। यहां पर तमाम पेरेंट्स से चौपाल में बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम यानी कि प्रद्युमन की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। उसके बाद से तमाम पेरेंट्स और लोग एक तरफ से एक डर के माहौल में जिंदगी जी रहे हैं कि आखिर उनका बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो क्या चीजें उनके दिमाग में अब चल रही होती है। हम इस वक्त कृष्णा नगर में मौजूद हैं और सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है, इस तरह की बड़ी बेरहमी से जो कत्ल कर दिया गया है, स्कूलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके आपके बच्चे भी अब किस तरह से सेफ? देखिए स्कूल जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बन चुके हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कहा जाता था कि सरस्वती का मंदिर है, बच्चों को शिक्षा का वरदान देते हैं वो, लेकिन आज सिर्फ पैसा बटोरते हैं। 15 मिनट पहले बच्चे के फादर उसको स्कूल में छोड़ के जाते हैं और उसकी बेरहमी से कत्ल हो जाता है, तो इसको बाद एक्शन क्या ले रहे हैं वो, कि इस जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी मान्यता रद्द हो गई लेकिन जो स्कूल है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, तो बहुत गलत हो रहा है। सबसे पहले तो मैं